तो भारत की तरफ से हूँ, संविधान मानते हैं, संविधान की जो अच्छाई है उनको मानता हूँ, संविधान की बुराई है बताइए। संविधान में आना चाहिए कि भारत को हिंदू राष्ट्र, जैसे संविधान में जो पहला राम राज दरबार, देखिए मोदी बहुत काम किए हैं और बहुत काम करने भी जा रहे हैं, अभी न्यायपालिका को ठीक करने में लगे हुए हैं, मोदी के नाम पे लड़ा रहे हैं, धर्म के नाम पर तो हमेशा लड़ाई हुई है, क्रूसेड हुआ है, उधर तो जाइए, लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा है, मणिपुर में मार मार के पीट पीट कर, आज राम मंदिर सुबह से लेके शाम तक रात तक 10-11 बजे तक खुला रहेगा, हमारे जैसे उसे क्या फायदा मिलेगा? केजरीवाल जैसे देशद्रोहियों से, नक्सलवादियों से, आतंकवादियों से, अमेरिका के ईसाई एजेंट से, इस देश को बचाने के लिए ही हिंदू राष्ट्र की जरूरी है। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ। मेरे पीछे का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं, ये नज़ारा हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए तमाम युवा महिलाएं साथ में आस्था में आई हुई हैं हिंदू राष्ट्र की मांग करने के लिए, जो हमेशा रहती है। अभी मेरे साथ मुकेश जी हैं, ये बताएंगे कि हिंदू राष्ट्र क्यों ज़रूरी है और आप केजरीवाल को इतनी गाली क्यों दें। देखिए, केजरीवाल जैसे देशद्रोहियों से, नक्सलवादियों से, आतंकवादियों से, अमेरिका के ईसाई एजेंट से, इस देश को बचाने के लिए ही हिंदू राष्ट्र की जरूरी है। आज देश में एक बहुत बड़ी ताकत है, इस देश को फिर से अंग्रेजों का गुलाम बनाकर ईसाई देश बनाने में जुटी हुई है, उसमें केजरीवाल का पूरा गिरोह, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे कभी किसान आंदोलन के आड़ में आते हैं, कभी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ खड़ा होता है गैंग, ये देश पूरे देश को तितर बितर करके इस देश को एक ईसाई देश बनाने में लगा हुआ है, और जितना भी नक्सलवादी गैंग है वो तो बनिया है, वो तो खुद बनिया है, आप भी बनिया, वो भी बनिया, केजरीवाल भी। देखिए, बनियों ने हमेशा, और जैनियों ने, बनियों ने इस देश के लिए अपने प्राण दिए हैं, जैन है, बनिए अग्रवाल है हम भी, और भाई अमीचंद, भाई बालमुकंद, लाला लाल, हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए जब आप जैन है तो आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए क्यों? मैं यही तो बताने जा रहा हूँ कि इन देशद्रोही ताकतों से इस देश को बचाने के लिए, जो केजरीवाल जैसी देशद्रोही ताकतें हैं, नक्सलवादी ताकतें हैं, ईसाई ताकतें हैं, उन ताकतों से इस देश को बचाने का लिए इस देश को हिंदू राष्ट्र होना ही पड़ेगा। नन्यता, ये बीजेपी की तरफ से आए? नहीं, बीजेपी हम मोदी के समर्थक हैं, पर बीजेपी के हम सदस्य नहीं हैं, हम मोदी को चाहते हैं, मोदी इस देश में अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं मोदी जी, एक दो काम बताइए जो अच्छा लगे आप। मोदी ने नोटबंदी करके अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा काम किया। ऐसा क्या किया? नोट देखिए, भाई साहब बोले नोटबंदी करके बहुत अच्छा किया, क्या क्या क्यों, क्या मिला फायदा? नुकसान क्या हुआ पहले मुझे बता दिया, नुकसान तो बताइए। नुकसान ये हुआ कि जो गरीब माँ बाप अपनी बेटी का शादी तय करके रखे हुए थे, उसकी बेटियों के लिए पैसे नहीं मिले थे, लाइनों में लगना पड़ रहा था, जिसके वजह से बहुत लड़कियों का रिश्ता टूटा, बहुत ऐसे लोग जो मरीज थे गरीब परिवार में, जिसका तुरंत बैंक से पैसा नहीं निकलने के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा था, ये सारा नुकसान हुआ। और जो पूंजीपति लोग थे, जिसके वजह से वो बोल रहे थे काला धन वापस आएगा, किसी का काला धन नहीं निकला। आप मुझे एक दो फायदे बताइए, मैंने एक दो नुकसान आपको बताया। देखिए, मोदी जी ने जब नोटबंदी की घोषणा की थी, उन्होंने उसके चार कारण बताए। पहला कारण काला धन का निकला, मैं अभी बताता हूँ, आपकी बात पा रहा हूँ, बोलने दीजिए, आप तो दीपक चौरसिया की तरह सवाल पे सवाल दाग रही हैं, जवाब देने दे रही हैं। काले धन का समाप्ति, भ्रष्टाचार उन्मूलन, और तीसरा था नक्सलवाद का खात्मा। कौन सा? तीसरा नक्सलवाद का खात्मा, और चौथा कारण बताया था उन्होंने, नकली नोट पर लगाम। किंतु जो नोटबंदी की गई है उसका एक ही मकसद था, नक्सलवाद और आतंकवाद का खात्मा, बाकी तीनों कारण मोदी। ये समझाइए आप, नोटबंदी से आतंकवाद, नक्सलवाद का खात्मा, आपने एक और बोला नकली। मैं नहीं बोला, मैं ये मोदी जी ने बोला। आप समर्थन कर रहे हैं ना? हाँ, मैं समर्थन कर रहा हूं। कर रहे हैं नोटबंदी को? मैं समर्थन कर रहा हूं। आप देखिए, ये जो है, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि नोटबंदी से फायदा हुआ है, मैंने आपको नुकसान गिनाया, और आप लोग को भी अगर कुछ फायदे लगे हैं या नुकसान लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दूसरा और बताइए जो मोदी जी ने काम किया। देखिए, मोदी ने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने ही बहुत पहले खुला।
खुलवाया था? खुलवाया था, ताला खुलवाया था। हम भी दर्शन करने गए थे राम मंदिर में, 6:30 बजे तो पता लगा ताला लग चुका है। फिर दोबारा शाम को 7 बजे खुलवाया भी तो था उन्होंने। आज राम मंदिर सुबह से लेके शाम तक रात तक 10-11 बजे तक खुला रहेगा हमारे जैसे। उससे क्या फायदा मिलेगा? आप जैन हैं, आपके भगवान अलग हैं और आपको राम मंदिर जाना है। देखिए हमारे भगवान भी तो भगवान राम के। आपके आपके बातों से लग रहा है कि आप किसी से मतलब जबरदस्ती बुलाए गए हैं, आप खुद की स्वेच्छा से नहीं आए हैं? मैं स्वेच्छा से आया हूँ, आपको दिख रहा है कि मैं कितनी स्वेच्छा से बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं, आप स्वेच्छा से नहीं आए, जबरदस्ती तो उधर बुलाया जा रहा है सामने की तरफ। इधर तो जो मतलब लड़कियाँ जो कर रही है वो गलत कर रही है। अगर जो उनके साथ गलत हुआ है तो फिर तो गलत करवाया है उन्होंने, हिंदू ही गलत किया। मैं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम की बात है ही नहीं, यदि उन्होंने गलत करवाया है या किया है गलत किसी ने तो गलत है ही वो फिर तो। और मोदी जी का एक दो और काम बताइए, राम मंदिर से किसको फायदा हुआ है? या आपको पता है सिर्फ एक जाति एक वर्ग के लोगों का फायदा हुआ है, ब्राह्मण का मनुवादी का, उसके अलावा किसी का फायदा नहीं हुआ है राम मंदिर से। और बताइए कितने कॉलेज कितने हॉस्पिटल आपके मोदी जी ने खुलवाए, एक दो बतवा दीजिए। देखिए मोदी जी ने सबसे बड़ी बात नरेंद्र मोदी जी ने जो रखी है अभी और खासकर किरण रिजिजू जी ने कि इस देश में कुछ जज पूर्व जज वो देशद्रोही गैंग के साथ लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, ये इतनी बड़ी पोल पट्टी मोदी जी के राज में खुल कर आई है। पता है कि आप क्या बोल रहे हैं, पुलवामा हमला आप ही के मोदी जी के राज में हुआ है जिसमें तमाम सैनिक मारे गए, और जब सत्यपाल मलिक ने इसका खुलासा किया तो उन्होंने कहा कि ये पहले क्यों नहीं बोला पुलवामा हमला। सत्यपाल मलिक तो राज्यपाल थे, राज्यपाल की ड्यूटी क्या है, हमले को रोकना तो उन्हीं की ड्यूटी थी। मोदी जी को मालूम था उस चीज के बारे में, वही बात है, राज्यपाल को बताने की जरूरत क्या पड़ रही मोदी जी को, राज्यपाल तो मुझे देखिए ये भाई साहब हिंदू राष्ट्र की मांग करने आए लेकिन खुद जैन है और इनको मालूम नहीं है, लगातार जो है केजरीवाल पे हमले कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि एक दो ऐसा जो जनता के लिए फायदा हो, जो महिलाओं के लिए फायदा हो, नरेगा बंद हो रहा है, मजदूर रास्ते पे है, किसान धरना दे रहे हैं, सब आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? मैं तो IIT इंजीनियर हूँ, अपना छोटा फैक्ट्री चलाता हूँ जो सरकार को बहुत बड़ा टैक्स देती है हमारी फैक्ट्री। कुछ एक दो स्कूल बताइए जो जनता के लिए किया हो आपके मोदी सरकार ने। देखिए मोदी बहुत काम किए हैं और बहुत काम करने भी जा रहे हैं, अभी न्यायपालिका को ठीक करने में लगे हुए मोदी। धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, धर्म के नाम पर तो हमेशा लड़ाई हुई है, क्रूसेड हुआ है, उधर तो जाइए लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा है, मणिपुर में मार मार के पीट पीट कर बहन बेटी को जिंदा जला के लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, है? वहाँ भी तो कुछ सोचिए ना, खाली ये तो नहीं कि अमेरिका के ईसाई बना जा रहा है, कौन ईसाई बनवा रहा है? वही लोग जो ईसाई ताकते लगे हुए हैं, बहुत बड़ा मीडिया का वर्ग है जो इनकी पोल पट्टी नहीं खोलता, वो कभी नहीं बताता कि बाइबल में लिखा है कि जो सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको तुम ईसाई पत्थरों से मार दो, ऐसा बाइबल लिखा है, उसको पर्दे में छुपाएंगे कि जो आप ईसाई की तरफ से हैं, हिंदू की तरफ से हैं, जैन की तरफ से हैं, आपको क्या चाहिए? मैं तो भारत की तरफ से हूँ, संविधान मानते हैं, संविधान की जो अच्छाइयां उनको मानता हूँ, संविधान की बुराइयां बताइए। संविधान में आना चाहिए कि भारत को हिंदू राष्ट्र, जैसे जो संविधान में जो पहला राम राज दरबार का चित्र बनाया गया है उस राम को आप थोड़ा मानते हैं, थोड़ा सा मानते हैं संविधान को? मैं तो संविधान को अभी पढ़ना पड़ेगा, इतना बड़ा संविधान, संविधान आपने नहीं पढ़ा है, इन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है और ये हिंदू राष्ट्र की मांग करने आए हैं। आप बताइए आप जिस देश में खड़े हैं संविधान की वजह से आज आप बोल पा रहे हैं, यहाँ पे धरना दे पा रहे हैं, यहाँ पे आप अपने हक के लिए बोल पा रहे हैं और आप संविधान नहीं जानते? देखिए मैं तो संविधान को जानता हूँ, सब सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को संविधान को पढ़ना चाहिए जिस पर वो हाथ रखकर शपथ लेती है, उनके लिए पढ़ना जरूरी है। इनका कोई आपके किसी भी बातों को नहीं माना जाएगा, संविधान को नहीं मानते हैं, जजों की नियुक्ति में संविधान में लिखा है 124(2) में कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे वो इस विषय में परामर्श करना उचित समझे सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक जज की नियुक्ति करेंगे। क्या सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श? अरे अभी जो है DY चंद्रचूड़ अभी है ना CGI, उसके बारे में आप क्या? देखिए उसकी नियुक्ति को भी चुनौती दी गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी कि उसकी नियुक्ति संविधान के खिलाफ, संविधान का नियुक्ति में पालन नहीं किया गया, और मैं इस बात को मानता हूँ कि DY चंद्रचूड़ की नियुक्ति में संविधान का पालन नहीं किया गया, जिसकी नियुक्ति संविधान के पालन
करके नहीं की गई है। वो ये लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और इनको ये भी नहीं मालूम है संविधान अभी तक इन्होंने पढ़ा तक नहीं है, लेकिन आप ये लगातार जजों पे हमलावर कर रहे हैं कि जज किसी मतलब आतंकवाद से मिले हुए डीवाई चंद्रचूर पे सवाल उठा रहे हैं। आप इनसे कितना सहमत है, कितना असहमत है, आप अपनी पूरी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।